ये लोग यहाँ खड़े होने लगे भाई, पता नहीं कर देंगे आज चेकिंग नहीं चल रही होगी, कल तो दबा दिया सालों ने। बाइक वाला अंकल, पुलिस वाले अंकल, क्या बात है जी। डिवाइडर का काम तेजी में चालू, एडिट करनी मुझे को। आंटी भी है भाई, पैसा रख रही है। एक्सीडेंट वाला या पुलिस आई, लड़ाई अभी हुई है भाई, तीन तीन को बैठा के भाई गाड़ी चला, आगे पीछे घूम रही है जी। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी की सीन ये है कि आज हम घर से निकल चुके हैं भाई, थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। देखो संडे है और आज अपन को मतलब छुट्टी मिल चुकी है, क्योंकि भैया के साथ जा था भैया के वीडियो शूट करने, फाइनली आज छुट्टी मिल गई है तो अभी निकल गए घर से। पहले मेरा प्लान तो केडी साइड का था, अभी देखता हूँ मेरा प्लान सक्सेस हो पाता है केडी का या नहीं हो पाता है, पता नहीं तो अकेले ही जाऊँगा या देखता हूँ जो भी जैसा होगा। अगर अकेले जाने का होना तो अकेले, नहीं तो फिर और कहीं जाने का मन होगा तो और कहीं का, क्योंकि दोस्तों के साथ तो केडी का था पर दोस्त हमारे निकल गए हैं थोड़े से सी 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 सी, इसलिए हमने सोचा कि अकेले ही निकल जाते हैं। मैं चाहता था बीच रोड से रोड क्रॉस कर सकता था पर देखो नहीं किया, क्योंकि कल आसिमा के सामने भाई इतना गंदा ट्रैफिक लगा था, लोग एक से डेढ़ डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक में खड़े थे, क्योंकि कुछ बस वाले कुछ ट्रक वाले चूतियों ने इधर उधर काटने के चक्कर में कार वालों ने पूरा बहुत गंदा सिग्नल लग गया था और ट्रैफिक लग गया, सिग्नल नहीं ट्रैफिक लग गया था। उसके बाद भैया पुलिस आई, लड़ाई अभी हुई है, दस लौंडे थे उन्हें लड़के बुला लिए 15-20, उन्हें और ट्रैफिक लगाया भाई, कल तो कांड हो गया था। वो तो अच्छा है कि मैं जिम आया था ना, जिम इसी रोड पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो हमारी भी लग जाती भाई। अभी जो है हम वहाँ वाला प्लान कैंसिल कर रहे हैं, केड़ी वाला, इधर ही कहीं भटकेंगे। पेट्रोल सबसे पहले तो पेट्रोल डलाना है भाई, इस रोड से बच के रहना पड़ेगा, मिसाले ख़त्म ही कर देंगे। देख रहे हो कैसे तेज गाड़ी चला रहे हैं, और बच भी नहीं सकते ना कहीं खड़े होके, दिक्कत इस चीज़ की है। ये देखो ट्रक वालों को भाई, ट्रक वाला धीरे नहीं कर रहा वे बहन, ये देखो रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा भाई, मेरी तो फटती है इस रोड में। जैसे पवन ने वाला खान ने बताया है एक्सीडेंट वाला, तब से भाई फटने लगी है कि कहीं से भी कार निकल जाती है, कहीं से भी कुछ हो जाता है। ये बस को देखो, इसकी है इसकी टांग, ऊपर से ही गाड़ी पिकअप भी नहीं है, बीच में दबा दिया सालों ने भाई। साइड से इसके आगे निकल जाओ, पहले तो मेन मोटिव मेरा इसके आगे निकलना है। कोई भी गाड़ी वाला हो साला, सब यहीं से कट ले रहा है, सब यहीं से, क्योंकि हाँ इन लोगों ने वेरियर लगा दिया है और डिवाइडर बना, अच्छा डिवाइडर यहाँ आ गया है, बढ़िया है भाई, डिवाइडर लगा रहे बहुत बढ़िया है, नहीं अगर डिवाइडर नहीं लगाएंगे तो कुछ तो निपटेंगे अब, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ ऐसा ट्रैफिक भंडारे की माफिक ट्रैफिक होता साला इस समय तो। और ये वाला पेट्रोल पंप खुला कि नहीं खुला ये भी नहीं पता भाई, और बाहर निकला हूँ इतनी गंदी लू टाइप की हवा लग रही है ना, सोचो शाम के 5:30 बजे करीबन निकला हूँ घर से और हवा बहुत गंदी लग रही है, क्या करे इस हवा का, इस हवा का। बंद है, चल रहे पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल डाला लूँ भरोसा नहीं भाई, कहीं गलती से गाड़ी बंद बंद होगी क्या करूँगा, इसलिए पेट्रोल डलाएंगे, उसके बाद वापस से ब्रिज चढ़ेंगे फिर नीचे जाएंगे। वैसे भी सीधे नीचे भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि कमलावती वाला रास्ता बंद है, ये जो रास्ता है जी ये बंद है, एक तो इस रोड की भी ना लगे पड़े। ये स्कॉर्पियो साले ये आगे पीछे घूम रही है जी, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जा रही है, कहीं ऐसा नहीं मेरा पीछा कर रही हो, मतलब मेरा आगा कर रही हो, पीछा तो क्या ही करेगी, आगे है करेगी। और ये बस भी जा रही भाई मेरे आगे आगे, ये भी तो कहीं ऐसा नहीं मेरा पीछा कर रही है, जगह खाली है कि नहीं है भैया, 120, चलो जी पेट्रोल डल चुका है 120 का, तो 120 का पेट्रोल ख़त्म करे घर आएंगे देश की युवा। ओ भाई मेरे को रॉन्ग चचा, ये चचा, ओ चचा मेरे को चचा से ना वो डालोगे मिर्जापुर वाला डालोगे जाता है चचा, ओ चचा, हो डॉट 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 वाले चचा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट एंड पीस हो जाओगे जी, है नो बक्रेटा। लोग पर बुलेट ज़्यादा जमती है भाई, एक चीज़ मान लो, मानो या ना मानो पर एक चीज़ जरूर मान लो, कौन बात नहीं राजू बाजू से के 20 फाड़ दे। फाइनली चलो सावरकर से तो चढ़ चुके हैं,
अभी यहाँ से आगे चलते हैं, मजा आता है भाई। देखो मेरे को घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्या मेरे जो दोस्त लोग क्यों आलस खाते हैं। अभी जॉब करने बाद तो फिर बाहर बाहर घूमूंगा। आज देखो जो इस जूते को पहना हूँ ना भाई, 3 महीने बाद निकाला हूँ, 3 महीने बाद पहना। अब इसको सोच रहा थोड़ा सा धो लूँ क्योंकि व्हाइट कलर है, ये अच्छा है, इसको मैं पहन सकता हूँ। अभी नया वाला अभी निकालूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर पलट जाए। नहीं साहब, आगे चल रही है चेकिंग। जो लोग होशियारी एकदम तेजी में निकल रहे थे, ये देखो ये बाइक वाला तेजी में जा रहा है। 100% धराएगा मेरे हिसाब से, 100 to 100%। अरे चल भाई चल, कोई नहीं है, चल चीटी काटेगी, चल चल चल। चेकिंग के चक्कर में भैया ये देखो बाइक वाला अंकल, पुलिस वाले अंकल, अंकल अंकल, ये देखो क्या बात है जी। अंकल ने गेम बजा दिया है गेम। आंटी भी भाई पैसा रख रही है। 3 star 4 star 5 star 6 star डेयरी मिल्क। चलो कोई ना, वो बंदा तो भाई साइड से निकल गया। पहले एकदम तेजी ऐसे लगा निकाल देगा, फिर एकदम से यू खट साला, उसको लगा कि हाथ नहीं आएगा। बढ़िया है भाई, हाईवे देख के यही तो थोड़ा सही लगता है, मजा आता है, एंजॉयमेंट होता है, एंजॉयमेंट। भाई तीन तीन को बैठा के भाई गाड़ी चला रही भाई अंकल, हाँ क्या बात है। बस तो हर कहीं रोकनी चाहिए, अच्छी बात होती है। और खास कर ना ये जो दीदी लोग चलाती है ना भाई, इनके सामने जिंदगी में नहीं रोकनी चाहिए। मैं अब इसमें रेड बस से आगे निकालता हूँ भाई, क्या करूँ, इससे पीछे का रह नहीं सकता, कहीं ब्रेक मारती रहती साले। भाई डिवाइडर का काम तेजी में चालू है, इधर डिवाइडर काम पर रिक्स नहीं लेते हैं, फुल तेजी में काम चालू है क्योंकि रोक जल्दी डिवाइडर बनाना है। मेट्रो स्टेशन का भी चालू, बस मेट्रो एक बार चालू हो जाए यार, फर्स्ट व्लॉग देना चाहता हूँ मेट्रो का जी। सोचो बातों ही बातों में आ गया हूँ एमपी नगर, यहाँ भी चल रही होगी चेकिंग, नाका तोड़ के भाग गया। ऐसे टाइटल लिख दूँ क्या, पुलिस नाका तोड़ के भाग गया, पुलिस ने पकड़ा, पर पुलिस के हाथ ना आया, हाथ ना आया जी। किसको रोक रहे, बाइक वालों को भी रोक रहे क्या, पर कोई ना, पकड़ लो भाई, आगे भगते क्यों नहीं है। ए भैया आगे भगते क्यों नहीं है भाई, दीदी पुलिस लिखने से क्या हो जाता है, क्या बात है, सॉरी दीदी हमको ना पकड़ो जी। भाई कहीं का डर लगता है, हेलमेट पहना है, गलती से पकड़ ना ले। देखो मन में तो होता है, थोड़ा सा तो होता है भाई, हेलमेट पहना है पकड़ ना ले। पकड़े थोड़ा थंबनेल टाइटल आ जाएगा, फिर थोड़ी बहस करनी पड़ेगी, पर छूट जाएंगे बिगड़ पैसे का, थोड़ी सी बहस करनी पड़ती है, दिक्कत इसी इसके है, नहीं तो मैं पगाड़ी रोक दूँ उनके सामने, लो पकड़ लो मेरे को, बहस करनी पड़ेगी, पैसे तो 1 रुपये ना दूँ, बस बहस करनी पड़ेगी, मेन चीज़ यही है, थोड़ी सी वार्तालाप। इस चक्कर में हम ना सोचते कौन पकड़ा है कौन फंसे इनके चक्करों में, ज़्यादा आगे ना जाके मैं सोचो इसी चौराहे से घूम के रिटर्न घर, बैक टू होम, और घर जाके ना वीडियो एडिट करनी मुझे को। अब यार यार सिग्नल लग गया, चलो साइड से लेके अपने को दीवार उस पार जाना है ना भाई, अपने को इधर जाना है तो अपने को ना खड़े नहीं रहना है, इधर जाना है तो इधर वाले को नहीं खड़ा रहना पड़ता। चलो जी, इधर भी साइड भी लगी है पुलिस, पर इधर वाले नहीं पकड़ेगी क्योंकि अभी इस समय एक ही साइड लगती है, एक ही साइड पकड़ती है। आहा कमर दुखने लगती है भाई। और आज ना हमारा प्लान था वहाँ जाने का, कहीं जाने का था होशंगाबाद जाने का, पर पवन भाई ने कैंसिल करवा दिया। पवन भाई सिर्फ 25 सेकंड का ही लगता है, 25 सेकंड का ही सिर्फ, बाबा साला फटती, एक तो रॉन्ग साइड भी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, साले उड़ा देंगे, गाड़ी काट भी नहीं सकते भाई, डर लगता है ऐसे में, डर का माहौल है चारों तरफ जी। इधर कितना प्यारा लगता है यार ये मेट्रो जब से बना, इधर बैंक पूरा छुप गए हैं, बाकी बहुत प्यारा लगता है भाई कसम से। इधर सबकी उलझने की लाइन चल रही, सबके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, भगाए जा रहे लोग, भाग गाड़ी देख रहे हो। पर एक चीज है, जब से रोड हल्की चौड़ी हो गई, बियाठा सड़ गई ना, तब से रोड एकदम खुल्ली खुल्ली हो चुकी है, खुल्ली खुल्ली
अभी ये भी हट जाएगा तो यहाँ भी खुली खुली हो जाएगी, यहाँ भी पूरी, और इधर तो रोड की मैयो हो चुकी है जी यहाँ पे। हाँ जी फाइनली अब सावरकर सेतु चढ़ने वाले, अभी बस ये ब्रिज बनने से ना हमारी ये मंदिर थोड़ी सी छुप गई है, पर कोई ना भाई मंदिर सामने तो बहुत प्यारी लगती है, पहली मंदिर है जो मुझे इतनी प्यारी लगती है जी, क्या बात है। इधर तो लंबे में ही कट रहा है, इधर साइड भी खड़ा होना चाहिए, जो भागते हैं ना इधर उधर से तो ये भाग ना पाए। अंकल निकल गए साइड में कल्टी में, देख रहे हो, दीदी को पकड़ लो भैया, दीदी को तो पकड़ लो भैया, एम्बुलेंस एम्बुलेंस की जगह छोड़ दो जी, कुछ भी कर लो भाई, डब्बा जा रहा, कंटेनर जा रहे, कंटेनर वो वाले पबजी वाले कंटेनर सारे हैं भाई। मौसम कैसा हो रहा है यार आज, धूप कम पानी ज़्यादा, पता नहीं ऐसा लग रहा कहीं बारिश होगी या हो सके भोपाल में ही हो जाए, अच्छा बात हो जाए अगर भोपाल में बारिश गिर जाए ना, बहुत अच्छा होगा भाई। इसका जी व्यू आ चुके हैं अभी हम, अभी यहाँ थोड़ा सा हो सके सचिन से मिलने जाना पड़ेगा, तो सचिन से मिलने जाऊँगा अब, उसके बाद आगे आगे घर, मतलब सचिन का फ़ोन आता मेरे पास कि भाई मिलने आना यार, तो मैंने सोचा चलो चला जाऊँगा। भैया देखो कैसे निकाल रहे, देखो गाड़ी मेरी जितनी भगाऊंगा उतना खाएगी तेल, इसलिए आज का ना गाड़ी के मैं धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ज़्यादा तेल खाए, तेल डलवाने में इससे मेरा तेल निकल जा रहा है, क्योंकि अपने पैसे का तेल डलवा रहा हूँ भाई, कहीं भी गाड़ी लेके जाता हूँ खुद के पैसे का पेट्रोल डलवाता हूँ पेट्रोल। आज चेकिंग नहीं चल रही, कल साला मैं भाई यहाँ से निकल रहा था, डेली हेलमेट लेके आता, सोचो ग्राउंड आ रहा हूँ, डेली हेलमेट नहीं ले सकता ग्राउंड में क्योंकि हेलमेट गायब हो जाता है, मैं यहाँ से निकल रहा साले चार चार खड़े थे वो लेके चलान के लिए, आगे कट रहे क्या चलान, आगे चलान कट रहे कि नहीं कट रहे। अच्छा अब ये लोग यहाँ खड़े होने लगे भाई, ऐसी लाइन है ये लोग, मतलब यहाँ रहने लगे हैं, ने बोला बेटा कटेगा तो है, कहीं से भी कटे, यहाँ से कटे वहाँ से कटे पर कटेगा। सबसे बसड़ हो चुकी है, हो चुकी है, फ़ोन नहीं उठा रहा, अब मैं यहाँ से निकल भी रहा हूँ, फ़ोन लगा लिया है हमने अपने हिसाब से, क्या बात है भैया स्टाइल से गाड़ी चला रहे हैं, चलो फ़ोन लगा लिया अपने हिसाब से, सामने वाला बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हम निकल चुके हैं, अब निकल चुके हैं जी, ये फ़ोन नहीं उठा था हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। अभी मैं सफाई वाले रास्ते जाऊँगा, इधर से नहीं जाऊँगा, इधर से बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है यार। फारी आ चुके हैं, यहाँ से चलते हैं अंदर, 100 रुपये के पेट्रोल में आग लगा के देश के युवा ओ भगवान, एक दिन आल मुझे ओला यशवंत की ना वो देनी है, क्या देनी है, रिव्यू देना है, संतोष भी किसी फ्रेंड ने लिया है, देखता हूँ हो गया जुगाड़ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। और अभी चल रहे घर, और घर जाके आप देखेंगे मैच, वीडियो भी एडिट करना है पर मैच भी आ रहा है, और शाम को देख लो इन लोगों से क्या लाइन होती है, तो साले तो बोल तो रहे शाम को कहीं चलेंगे, शाम को कहीं चलेंगे, शाम को फिर कहाँ चलेंगे, मेरा लग रहा कहीं नहीं जाएंगे जिस। चलो जी अब हम सोच रहे कि अपने इधर आ चुके हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी मुझे पता नहीं कितने मिनट की वीडियो शूट हुई होगी, अगर ज़्यादा ही लंबी होगी तो देखो भाई मैं कम से कम इस वीडियो को रखूँगा 12 से 15 मिनट, और नहीं तो फिर 8 मिनट तो रहेगी ही, क्योंकि आजकल ना छोटी वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है तो आप लोग वीडियो यहाँ तक देखा जरूर, आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।